अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। और यार कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ वरना दो तीन कमेंट्स आए जहाँ पे लिखा हुआ था कि कल अरीज एपिसोड नहीं देगी क्योंकि कल अरीज के भैया का बर्थडे है। तो एक और कमेंट था वहाँ पर लिखा हुआ था, यार अरीज आज ही एपिसोड दे दो, फिर कल आपने बहाना मारना है कि मेरे भैया का बर्थडे है तो मैं एपिसोड नहीं दूँगी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच के मतलब आप लोगों को सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे भैया का भी बर्थडे याद रहता है, तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि एपिसोड आएगी क्योंकि अब मेरी टाइमिंग मैंने चेंज कर दी। मैंने सोचा मैं सुबह के टाइम पे ना दोनों किस्तें दे दिया करूँगी। इससे एक तो वो नहीं होता ना कि रात को कभी भी नेट बंद हो जाता है, कभी भी वो हो जाता है, मतलब कभी लेट हो जाते हैं, तो एक प्रॉपर हो जाएगा कि 12 बजे से पहले दोनों किस्तें आएंगी। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो एक परफेक्ट टाइम है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से पढ़ लो, आपको रात को अच्छा लगता है आप रात को पढ़ लो, एपिसोड तो आ चुकी होगी। अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ लो। और खैर ये बताओ कि मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ। हमारे साइड पर कल शाम से तकरीबन 5 बजे से बारिश शुरू हुई और ऐसी बारिश शुरू हुई है कि इतनी सर्दी हो गई है कि इस वक्त मैं धूप में बाहर बैठी हुई हूँ। और धूप में बैठ के मैंने ऊपर ना वो अब्बू जी की वो मोटी चादर नहीं होती, मर्दाना चादर जिसको हम बोलते हैं, हम तो अजर्क बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, वो जो होती है वो मोटी सी चादर होती है जिसमें कम्बल नुमा चादर होती है, वो मैं लेके बैठी हुई हूँ। इतनी ज़्यादा सर्दी है और ठंडी हवाएँ चल रही हैं, लेकिन यह है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं धूप से जाकर ना अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ, मुझे अंदर ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने बाहर बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है। मैं अपना फ़ोन अब्बू की चादर में घुसा रही हूँ, खुद भी बीच में घुसी हुई हूँ कि मुझे सर्दी ना लगे। तो आप लोग बताओ आप लोगों के साइड का मौसम कैसा है, अभी तक सर्दी हुई है या नहीं हुई। क्योंकि कल रात मैं अरीज से बात कर रही थी, कहती है इतनी गर्मी है लाहौर में कि हद नहीं, और अभी मेरे ख्याल में उस तरफ सर्दी ज़्यादा है, सॉरी गर्मी है, अभी सर्दी का कोई ऐसा सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ। और आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ सर्दी शुरू हो चुकी है। तो हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड, तो लेट्स स्टार्ट। आज अरीज आराम सुकून से रिकॉर्डिंग करेगी क्योंकि अरीज ने यूनि नहीं जाना, अरीज ने छुट्टा मारना है। चलो मरमे का ऐजान किस्त नंबर 99, तहरीर अरीज शाह। इसका हाथ इसकी गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता अपना लम्स छोड़ रहा था। क्या कहा तुमने, मुझे छोड़ कर चली जाओगे, वो सवाल कर रहा था। जबकि इसकी गर्दन जो इसकी गर्दन पर बढ़ रही थी वो मर्म को मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर रही थी। मैं वो कुछ बोलना चाहती थी जब इसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। इसका खुरदरा हाथ उसकी गर्दन पर सख्ती बढ़ा रहा था और मर्म की जान जैसे लबों में आ गई थी। आप मुझसे प्यार करते हैं, इसने जैसे याद दिलाया था। हाँ मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जा सकता, और अगर छोड़ कर जाना चाहे तो इसे दुनिया ही छोड़नी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम दुनिया छोड़ना चाहोगी, मेरा मतलब है कि मुझे छोड़ कर जाना चाहोगी। इसका अंदाज़ सवालिया था, जबकि वो चाहता था कि इसका जवाब इसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो। आप मुझे सिर्फ डरा रहे हैं, आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझसे प्यार करते हैं, इसने यकीन से कहा था। जब अगले ही लम्हे इसकी गर्दन पर उसकी गिरफ्त इतनी सख्त हो गई कि इसे लगा कि अभी इसकी सांसें रुक जाएंगी। गलत फहमी का शिकार हो तुम बेबी, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, जो तुम्हें पसंद हो इसे अपने पास रखो
और अगर वो तुम्हारे पास ना रहना चाहे तो इसे दुनिया में भी ना रहने दो। अब फैसला तुम करोगी कि तुम्हें मेरे पास रहना है या कब्र में। ऊपर वो पुरसकून अंदाज में बोल रहा था, जबकि वो बेयकीनी से इसे देखते हुए अपनी गर्दन से इसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त होती जा रही थी। रहना है या नहीं, इसकी मज़ाहमत को नाकाम की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसने गुस्से से इसकी गर्दन को हल्का सा झटका दिया था। रहना है, वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई थी, जबकि अगले ही लम्हे वो मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर अपने हाथों की गिरफ्त को हल्की करता इसे एक झटके में खींच कर अपने सीने से लगा चुका था। मेरा प्यारा बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी जान इतनी समझदार है। अब आइंदा ये सोच भी तुम्हारे आस पास नहीं भटकनी चाहिए। चलो जाओ, अपने टेस्ट की तैयारी करो। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना? वो आहिस्ता से इसके गाल से हाथ हटाता हुआ अपने लब इसकी गर्दन के उस मकाम पर रख चुका था जहां इसने अपनी गिरफ्त बहुत सख्त कर दी थी। जबकि वो खौफ से सिर्फ हाँ में सर हिला पाई थी, वो प्यार से इसके गालों को चूमते हुए इसके करीब से उठकर बाहर निकल गया था। जबकि वो अब तक अपनी गर्दन पर इसकी बेरहम गिरफ्त महसूस करती खौफ से कांप गई थी। वो ना जाने कहाँ गया था, वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसे अजीब सा खौफ आ रहा था। वो आज सचमुच में इससे खौफज़दा हो गई थी। वो लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता था, अब तो इसे साफ अल्फाज में धमकी भी दे दी थी कि अगर इसने इससे दूर होने की कोशिश की तो वो इसे भी मार देगा। और सच यही था कि मर्म को मौत से खौफ आता था। वो कम से कम खतरनाक तरीन मौत नहीं मरना चाहती थी। और कुछ तो इसे समझ नहीं आया था। बस इतना इसने फैसला कर लिया था कि वो कायजान से कभी इस तरह से दोबारा बात नहीं करेगी। लेकिन इस तरह से तो वो गुनाहों के दंडल में दस्ता चला जाएगा। वो अपने शोहर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने शोहर को इस दंडल में गिरने नहीं दे सकती थी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो इसे इन चीज़ों से दूर करने का फैसला कर चुकी थी। हाँ, लेकिन अब वो इससे दूर जाने की बात नहीं करेगी। इसका गुस्सा और इसका इतना शदीद रिएक्शन इसी बात पर था कि मर्म इसे छोड़ने की बात कर रही है। इसने बेइख्तियार अपनी गर्दन पर हाथ रखा था जहां थोड़ी देर पहले वो अपना लम्स छोड़ कर गया था। खाना खाया तुमने? वो थोड़ी देर के बाद वापस घर आया तो वो अभी तक इसके लैपटॉप पर कुछ टॉपिक्स चेक कर रही थी। वो काफ़ी गुस्से से दरवाज़े पर खड़ा इससे पूछ रहा था,
नहीं बस खाने वाली हूँ। वो फौरन लैपटॉप ऑफ करती उठकर इसके पास बाहर आ गई थी। हाँ जल्दी से खाना खाओ और फिर कुछ टॉपिक मैं तुम्हें समझाता हूँ जो कल ज़रूरी होंगे। वो आहिस्ता से इसका गाल थपथपाते हुए किचन की तरफ आया था। मेरे टेस्ट की तैयारी हो गई है, अब मैं खाना खा के सोऊंगी। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, फिर सुबह मुझे जल्दी भी तो उठना होगा ना। आपका लैपटॉप फारग है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी से बोली थी। इस वक्त वो बिल्कुल भी इसके पास नहीं रहना चाहती थी, बस खाना खा के वो जल्द से जल्द सो जाना चाहती थी ताकि इस खौफ से कुछ हद तक बाहर निकल सके। इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो गई? इतना मुश्किल टेस्ट है, तुम्हें ठीक से तैयारी करनी चाहिए। सुबह मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, अगर टेस्ट पास नहीं हुआ तो एडमिशन कैसे होगा? इसे यकीन था इसे टेस्ट बिल्कुल तैयार नहीं है। मिस्र की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं था और यहाँ के टेस्ट भी बहुत मुश्किल थे। इसे यकीन था वो कभी इतनी जल्दी टेस्ट तैयार नहीं कर सकती। नहीं बस मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा, वो कहते हुए जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी और फिर बिना इसकी तरफ देखे अपना खाना खाने में मसरूफ हो गई। जबकि कायसान भी बिना कुछ बोले अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया था। खाना खाने के बाद वो रूम में चली गई तो वो सीधा अपने ऑफिस रूम की तरफ आ गया था। आज जो भी हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए इसने रसल और रफील दोनों को मना कर दिया था कि वो घर में फ़ोन नहीं करेंगे। मरम के आने से पहले इसने यहाँ पर मोबाइल्स के सिग्नल्स का सिस्टम बंद करवा के रखा था। वो इस जगह मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन बाद में मरम की 24 घंटे खबर रखने के लिए इसने वो सिस्टम ही ख़त्म करवा दिया था और आज इसी की वजह से वो इससे इतनी खौफज़दा हो गई थी। खैर इसका खौफ तो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो ही जाएगा, वो जानता था। इसे टेस्ट तैयार नहीं है, वो सिर्फ इससे बचने के लिए इससे झूठ बोल गई है कि इसे इसका टेस्ट तैयार है। मतलब अब वो इससे दूर ना जाए फिर भी वो इससे भागने की कोशिश कर रही थी और ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो कभी इसे खुद से दूर कर सकता। इसे इसका ये डर ख़त्म करना था, इसे अपनी पुरानी शरारती सी मर्म वापस चाहिए थी। वो मर्म को बस एक दफ़ा इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसका काम कभी मर्म और इसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। और इन सब चीज़ों से मर्म को दूर रखेगा। ये सारी चीज़ें मर्म की तकलीफ़ की वजह
कभी भी नहीं बनेगी, लेकिन यही चीज़ वो इसे समझा नहीं पा रहा था, या शायद मर्म फिलहाल समझने की कंडीशन में नहीं थी। लेकिन जो भी था वो इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था और ना ही इसे खुद से दूर भागने दे सकता था। वो सुबह उठा तो वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, यानी आज वो टेस्ट के लिए तकरीबन अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। रात वो कमरे में आया तो वो गहरी नींद सो गई थी, इसलिए इसने इसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास होने वाला था। मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो के आ जाएं, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ, फिर हम चलेंगे यूनिवर्सिटी टेस्ट देने के लिए। और मैंने सोचा है कि वो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या सोचा है तुमने? इसने खुद ही इससे पूछा था। जी, वो मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन नहीं लूँगी, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी और रोज़ लेक्चर लूँगी सब लोगों के साथ। मुझे लगता है इससे मैं जल्दी कर पाऊँगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी जबकि कायजान ने सिर्फ सर हिलाया था। बिना कुछ जवाब दिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अब मर्म नहीं जानती थी कि इसका जवाब हाँ था या फिर ना। आपने जवाब नहीं दिया, मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती हूँ? वो नाश्ता कर रहा था जब उसने फिर से पूछा। इसकी आवाज़ बहुत कम थी और लहजा बहुत नर्म। तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लो, अगर चाहो तो रेगुलर बेस पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम टेस्ट क्लियर कर पाओगी। जिस तरह की तैयारी तुमने कल की है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम ये टेस्ट क्लियर कर सकती हो। कल तुमने सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की थी, वहाँ पर कुछ पढ़ा या समझा नहीं था। टेस्ट क्लियर करो, फिर देखते हैं कि किस तरह से एडमिशन लेना है, वो पुरसकून अंदाज में कहता अपना नाश्ता मुकम्मल करने लगा था। जबकि अब मर्म भी अपनी सोच में गुम हो चुकी थी। ये सच था कि इसने कल से कुछ भी नहीं पढ़ा था। जब से कायजान की फ़ोन पर बात सुनी थी और फिर कायजान का वो रिएक्शन देखा था, वो एक लफ्ज़ भी पढ़ नहीं सकी थी। और अब इसे इस बात पर पछतावा हो रहा था। अगर वो कुछ पढ़ लेती तो मुमकिन था कि वो यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकती। अब तो इसे यकीन था कि इसने फेल ही होना था। वो गाड़ी चला रहा था जबकि वो खामोशी से अपने हाथों को देख रही थी। जब तक तुम्हारा टेस्ट होता है मैं बाहर ही रहूँगा, तुम सुकून से अपना टेस्ट क्लियर करके आ जाना, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें वापस घर ना छोड़ दूँ। और यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोकते हुए बोला था। वो पहले फ़ोन करके प्रिंसिपल को बता चुका था कि आज इसकी बीवी टेस्ट देने के लिए आने वाली है। काइस, मुझे टेस्ट तैयार नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता,
मैंने रात को आपसे झूठ बोला था कि मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर चुकी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये टेस्ट क्लियर कर पाऊँगी। आप मुझे वापस घर ले चलें। वो काफ़ी देर सोचने के बाद आखिर हिम्मत करके बोली थी। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था ये भी बताओ। वो इसकी तरफ देखते हुए पुरसकून अंदाज में बोला, मैं दरअसल इस वक्त बहुत डर गई थी। मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तो ये सोच दोबारा अपने जहन में मत लाना कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत अज़ीज़ हो तुम मेरे लिए। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म तो कर सकता हूँ, लेकिन ख़ुद से दूर नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो सिर्फ एक सूरत में वो हो पाएगा कि हम दोनों में से किसी एक की मौत की सूरत में। जाओ टेस्ट दे कर आओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि वो बिना कुछ भी बोले गाड़ी से निकलते हुए यूनिवर्सिटी के दरवाज़े से अंदर चली गई थी। वो प्रिंसिपल रूम में आई तो सामने ही दो टीचर्स के साथ एक प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे। पता नहीं ये लोग इससे क्या सवाल करने वाले थे और ना जाने वो इन लोगों को क्या जवाब देगी। इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं था और ना ही इस टेस्ट के रिलेटेड कुछ भी समझ पाई थी। अब पता नहीं इसने यहाँ क्या करना था। जिस तरह से ये लोग इसे देख रहे थे, एक बात तो क्लियर थी कि वो हरगिज़ ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाने वाली थी। इसने इन लोगों को अपना तारुफ सिर्फ अपने नाम से करवाया था, जबकि वो हाँ में सर हिलाते हुए इसे बैठने का इशारा कर चुके थे। सामने बैठे टीचर ने इसके सामने एक कागज़ रखा था और फिर इससे कुछ कहने लगा। इसकी एक भी बात उसे समझ में नहीं आ रही थी, जबकि वो लोग उकताए हुए अंदाज में इसे देख रहे थे। यकीनन वो भी समझ चुके थे कि इसे कुछ भी नहीं आता जाता है, वो सिर्फ टेस्ट देने के लिए आ गई है। प्रिंसिपल सर का तो अंदाज़ भी काफ़ी लिया दिया ही था। इनका कोई इरादा नहीं था इसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने का। इनका फ़ोन बज उठा। अपने फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आते देख उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। कायसान काजमी, इसने अपना नाम फहर से लिया था, जबकि दूसरी तरफ इसका नाम सुनते ही वो कुर्सी पर बैठे प्रिंसिपल सर कांप उठे थे। आपके सामने बैठी लड़की मेरी बीवी है, टेस्ट इसे तैयार नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी स्टूडेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसे एडमिशन दे दीजिए, वरना आपकी यूनिवर्सिटी तो यहीं रहेगी। हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एक भी ज़िंदा ना बचे। इसने अपने ही अंदाज़ में धमकी दी थी और इनकी ज़ुबान में इन्हें समझा रहा था।
और फिर फ़ोन बंद होते ही उन्होंने सामने रखे पेपर पर अपनी यूनिवर्सिटी की मोहर लगाई थी। वो दोनों टीचर इन्हें हैरानगी से देख रहे थे। वो एक नालायक स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे थे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। मैम, आपका एडमिशन हो चुका है, आइए आपको दरवाज़े तक छोड़ कर आते हैं। आपके हस्बैंड दरवाज़े पर आपका वेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर ने उठकर खड़े होते हुए कहा था, जबकि वो इनकी बात को समझ नहीं पाई थी क्योंकि वो मिस्री ज़ुबान में बोल रहे थे और इसे यही लग रहा था कि वो लोग इसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने जा रहे हैं। अब ये किस चीज़ की मोहर थी इसे समझ नहीं आया था क्योंकि वो मोहर यूनिवर्सिटी के नाम की थी, पास या फेल की नहीं। सो गाइस, ये थे आप लोगों के आज के एपिसोड, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी राइट को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।